नमस्कार, आज हम रूपक ताल सीखेंगे। जैसे कि हमने वोकल क्लास में जो भजन सिखाया था सर ने, उसके साथ हमने रूपक ताल का प्रयोग किया था। तो रूपक ताल में जो बोल है कैसे तबले पे निकलेंगे और हाथ पे हम कैसे लगाएंगे, मैं कुछ आवर्तन आपको बजा के भी दिखाऊंगा, और तबले में कैसे बोल निकलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बोल आपको कैसे निकलते हैं वो बताता हूं। इसमें ती का प्रयोग हुआ है और ना का हुआ है और धिन का हुआ है। तो जैसे कि हम तिन बजाते हैं, जो चाटी और स्याही के बीच में जो लव है उस पर हम तिन बजाते हैं। जब वाय का हम प्रयोग नहीं करते तो तिन निकलता हमारा, तिन तिन तिन। ऐसे ही जब हम बिना वाय यूज किए हुए हम इस पे बजाते हैं चाटी पे, तो हमारा बोल निकलता ना या ता, ता ना ता। चाटी और स्याही के बीच में जो लव है, लव पे अगर हम दोनों फिंगर एक साथ मारेंगे तो हमारा धिन का बोल निकलेगा, धिन धिन धिन। इसी प्रकार से हम जब ना बजाएंगे तो चाटी पे, हम जब बाया प्रयोग ना करके चाटी पे बजाएंगे तो ना ता ना ता। तो मैं एक बार ही आपको हाथ पे लगा के दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको एक दो आवर्तन इसके बजा के दिखाऊंगा। हाथ पे हम जो सम लगाते पहली मात्रा पे, इस ताल में सम हमारा खाली पे आता है और पहली मात्रा हमारी खाली की होती है। इसमें चार और छह पे ताली है और एक सम खाली है इसका। तो कैसे लगाएंगे हाथ पे, ती ती ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। और मैं अब आपको तबले पे बजा के दिखाता हूं। तबले में हम कैसे बजाएंगे इसको कंटिन्यू, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। बेसिकली जब हम इसको बजाते हैं ताल के साथ या किसी वोकल के साथ, तो हम इसे सिंगल में नहीं, हम डबल में प्रयोग करते हैं रूपक ताल का। तो डबल में करने के लिए हमें ना को डबल करना पड़ता है, ती ती ना ना धी ना ना धी ना ना ती ती ना ना धी ना ना धी ना ना। तो अब कैसे बजाएंगे डबल में, ती ती ना ना धी ना ना धी ना ना ती ती ना ना धी ना ना धी ना ती ती ना ना धी